बहुत बड़ी अपडेट है, बहुत ही ज़्यादा बड़ी है। 7 जनवरी 2022 को ये मूवी लॉन्च होने वाली RRR। लेकिन दोस्तों यहाँ पे गंगूबाई काठियावाड़ी की बात की जाए तो ये मूवी होने वाली है 6 जनवरी 2022 को। लेकिन दोस्तों देखा जाए तो ये दोनों एक दिन का डिफरेंस है। ये दोनों ही मूवी बहुत बड़ी बिग बजट की है और दोनों ही मूवी में हमें आलिया भट्ट और अजय देवगन मिलने वाले हैं। तो दोस्तों ऐसा देखना जरूरी है कि दोनों की दोनों एक दिन का डिफरेंस लेके बिल्कुल भी रिलीज तो नहीं होने वाली है, क्योंकि दोस्तों मेरे को जहाँ तक पता है ये कोई अभी RRR की रिलीज डेट निकल गई है, तो इसका मतलब ये है गंगूबाई काठियावाड़ी की जो डेट है उसको आगे पीछे जरूर किया जाएगा दोस्तों। ये तो कंफर्म बात है, क्योंकि दोस्तों इतनी बड़ी मूवी एक साथ लॉन्च नहीं करेंगे ये लोग। इनको भी पता है कि भैया इतनी बड़ी बिग पिक्चर जो बिग बजट मूवी होती है वो भैया एक साथ लॉन्च नहीं करने, और दोनों ही मूवी में अजय देवगन है और यहाँ पे आलिया भट्ट है भाई। ये सबसे मेन बात जो है, दोनों ही मूवी में दो दो एक्टर एक दूसरी मूवी में। तो दोस्तों 1/7 को लॉन्च हो रही है, 1/6 को लॉन्च हो रही है। दोस्तों जैसे कि आप पता है RRR के बहुत ज़्यादा हाइप, RRR की इतनी ज़्यादा हाइप है, इतनी ज़्यादा हाइप है कि इसको अगर ये लॉन्च होने के बाद इसका तो भाई कलेक्शन भैया सारे रिकॉर्ड तोड़ने ही वाली है। जी हाँ दोस्तों, और जैसे गंगूबाई काठियावाड़ी की बहुत ज़्यादा चर्चा की गई है। जब आलिया भट्ट का लुक निकल के आया था, लोग बागों ने बहुत बोला था कि भाई ये बहुत अच्छा लुक है, बहुत अच्छी मूवी है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे भाई RRR मूवी की बहुत ज़्यादा बात की गई है, बहुत ज़्यादा चर्चा की गई है। अभी जस्ट थोड़ी देर ही मतलब पहले ही RRR की रिलीज डेट अनाउंसमेंट की गई है। जी हाँ दोस्तों, मैंने देखा ये दोनों 7 जनवरी के दिन ही लॉन्च कैसे हो रही है। लेकिन दोस्तों मैं भी बता सकता हूँ, अभी गंगूबाई काठियावाड़ी की जो डेट है उसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं की गई है। लेकिन दोस्तों आप लिख के रख लीजिए अपने हाथों में, अपने जहाँ भी आपको पेन मिले वहाँ से लिख के रख लीजिए कि दोस्तों गंगूबाई काठियावाड़ी की डेट चेंज होगी, RRR की तो नहीं होने वाली, क्योंकि RRR तो अब मूवी आ चुकी है। क्योंकि RRR बहुत बड़ी पिक्चर है भैया, बिग पिक्चर है, तो दोस्तों उसकी डेट तो चेंज बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो दोस्तों अपने कमेंट के जरिए ये बताइए कि जो इन दोनों मूवी से आप जो सबसे पहले जनवरी के अंदर कौन सी मूवी देखनी है। मैं तो बोलूँगा भाई, मेरी तरफ से तो RRR मूवी ही मैं देखना चाहूँगा, क्योंकि भाई उसकी ज़्यादा हाइप है, उसमें हमारे अजय देवगन भी मिलेंगे और साथ ही साथ आलिया भट्ट भी मिलेगी। तो मतलब ये दोनों भैया साथ ही साथ लॉन्च होना बहुत बड़ी बिग मिस्टेक होने वाली है, क्योंकि दोनों साथ में तो लॉन्च नहीं होना चाहिए। कम से कम दोनों मूवी के बीच में एक महीने का नहीं तो कम से कम दो महीने का गैप तो होना ही होना चाहिए दोस्तों। दोस्तों आपकी कराए कमेंट करके बताइए दोस्तों, आप जनवरी के महीने में कौन सी मूवी देखने जाना चाहते हैं। और दोस्तों इसी चक्कर में आज के दिन ही यहाँ पृथ्वीराज की जो पोस्टपोन की गई है रिलीज डेट, आपको पता होगा अगर अक्षय कुमार के आप फैन हैं, तो हम पोस्टपोन की गई पृथ्वीराज चौहान की, मेरे ख्याल से इसी चक्कर में उसकी भी जो डेट है उसको आगे पीछे की गई है। मेरे को जहां तक पूरा लग रहा है कि दोस्तों ये बहुत बड़ी मूवी है, यहां भी अक्षय कुमार भी यहां पे अपना मूवी को यहां पे दाव पे नहीं लगाएंगे दोस्तों। तो यहां पे भैया आलिया भट्ट की जो मूवी है गंगूबाई काठियावाड़ी वो भी दाव पे तो बिल्कुल नहीं लगेगी दोस्तों। उसकी भी जो रिलीज डेट है वो पोस्टपोन होगी, कुछ ना कुछ तो आगे पीछे हो ही होगी दोस्तों। आपको क्या लगता है, और आप अपने कमेंट के जरिए जरूर बताना पड़ेगा कि आपको कौन सी मूवी ज़्यादा पसंद है, कौन सी आप देखना चाहते हैं दोस्तों। तो इसी बेहतरीन अपडेट के लिए एक वीडियो, एक लाइक, एक सब्सक्राइब और जय हिंद।